जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमीएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमीएबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और हमने कहा था कि हम इसी से आगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है आज। यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन परमीएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमीएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है वो हम देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है जिसमें चुंबकीय गुण आ सकता है। इस पदार्थ को मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी जीरो बी नॉट में हम रख दिए हैं। तो जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देंगे तो इस पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करेगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया वो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस एक मैग्नेटाइज्ड फील्ड इसके अंदर जो है, जो इसके अंदर उत्पन्न हुआ, उस दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये बीएम जो है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। फिलहाल अभी हम मानते हैं कि इस दिशा में है। हम उसके उस पर हम आगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में हम देखेंगे क्या क्या होता है। अभी फिलहाल आप ऐसे देखिए कि दोनों मिलाकर, अब ये प्लस में होगा तो मान ज्यादा होगा, माइनस में होगा तो कम होगा। ऐसे कई सिचुएशंस होंगे जिसमें माइनस में भी होगा, हम देखेंगे अभी। इसी बात को हम यहां लिखते हैं कि व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट, बी नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड रख देते हैं फॉर इट्स मैग्नेटाइजेशन, ताकि ये इसमें चुंबकीय गुण आए, द फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज द रिजल्टेंट ऑफ। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में जो फील्ड है, इसके अंदर में जो फील्ड उत्पन्न होता है वो रिजल्टेंट है किसका किसका, द फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट, ये फील्ड, एंड द इंड्यूस्ड फील्ड बी एम। और एक इंड्यूस्ड फील्ड इसमें होता है वो बी एम के, दोनों के। मैंने पहले ही कहा कि ये जो बी एम है वो इस बी नॉट की दिशा में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हमने एक दिशा में लिया है। अब हम जानते हैं, हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बराबर होता है। बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच, पिछले क्लास में देखिएगा। एंड उसी प्रकार से ये जो इसके अंदर में जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो भी म्यू नॉट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आपने देखा होगा, उसके बराबर होगा। अब इस दोनों को हम यहां पर मान पुट करते हैं। चूंकि हम यहां डिवाइड करना है तो वेक्टर में वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं इस रूप में। इसमें इसका मैग्नीट्यूड मैंने यहां वेक्टर का चिन्ह हटाकर लिखा है। अब देखिए, दोनों में से हमने म्यू नॉट यहां कॉमन ले लिया तो एच प्लस आई। अब हम दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दिए, इधर और इधर दोनों तरफ, तो एच से डिवाइड किया तो बी बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट, ये एच बाई एच वन हो जाएगा प्लस आई बाई एच। अब हम जानते हैं, देखिए बी बाई एच जो हमारा होता है, बी बाई एच वो परमीएबिलिटी होता है। हमने इसको परमीएबिलिटी लिखा क्योंकि हमें तो परमीएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में ही रस निकालना है, और ससेप्टिबिलिटी ही जानने के लिए आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो रेशियो होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो, ये तो हमारा ससेप्टिबिलिटी होता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों मान मैंने डाला तो हमारा रिलेशन आ गया परमीएबिलिटी बराबर परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू वन प्लस एक्सएम, या एक्सएम ससेप्टिबिलिटी है, जो कि आप देख रहे हैं आई बाई एच है। और ये आई कहाँ से आया है, इस बी एम से आया है। आप देखिए बी एम को तोड़ करके, अब आप गौर करिए, ससेप्टिबिलिटी कभी प्लस होगा तो इसका मान ज़्यादा होगा, माइनस होगा तो कम होगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये सब हम डायमेंटिक, पैरामेंटिक, फेरोमैग्नेटिक में भी देखने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं कुछ मिनट के बाद। तो यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझिए, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए, चुंबकीय गुण आने के लिए, जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं, जो फील्ड उसको मैग्नेटाइज कर सके, चुंबकीय गुण ला सके, उसमें रख देते हैं, तो उसके अंदर एक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इस अंदर, इस मटेरियल के अंदर में जो फील्ड होगा वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक इंड्यूस्ड फील्ड के रिजल्ट होगा, यानी दोनों को मिलाकर होगा। उसके बाद हम दोनों को तोड़ देते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, तोड़ करके हम इस प्रकार से ये रिलेशन ले आते हैं। अब आगे देखिए, हम यहां बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं। पिछले क्लास आप प्रॉपर्टी देखे थे, अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्लासिफाई कर रहे हैं। यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडे, ये काम फैराडे ने किया था, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस। जितने भी चुंबकीय गुण वाले पदार्थ हैं या जिसमें चुंबकीय गुण आ सकता है, उसे हम तीन भागों में, तीन ग्रुप में, तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और हम ये भी कहेंगे कि इसको सीरियल में ही याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सब याद रखने में, जो हम अभी बात करेंगे आगे प्रॉपर्टी सब, तो वहां पर ये सब सीरीज में ध्यान में रहेगा तो फायदा होगा। तो सीरीज में आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम बता दें कि हिंदी में, अगर आप मान लीजिए कि गांव घर में लोग जानवर पालते हैं, महीस पालते हैं, अगर पारा मर गया तो क्या करोगे, वापस कर दोगे, ले जाओ। तो ये कहता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में, डाई मतलब मरा हुआ, पारा वापस करो, फेर दो, फेरो, डाई पारा फेरो। देखो तो याद रखना, डाय मतलब डायमैग्नेटिक, पारा मतलब पैरामैग्नेटिक, फेरो मतलब फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम बात करने जाने की, भाई किसको कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ऐसा सब्सटेंस, देखिए, द सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी पदार्थ को, वैसा पदार्थ जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, तो वो मामूली, फीवली मतलब मामूली, मैं इसे लिख दूं यहां, फीवली मतलब होता है मामूली सा, थोड़ा सा, मामूली, थोड़ा सा, फीवली, फीवल, फीवली मैग्नेटाइज, यहां फीवली होगा, फीवली मैग्नेटाइज, वो थोड़ा सा उसमें चुंबकीय गुण आए, इन द डायरेक्शन अपोजिट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी वो फील्ड जो जिसमें डालने पर डाले हैं ताकि ये चुंबकीय गुण आए, उस फील्ड के विपरीत, पकड़िए बात को, यानी इस बी नॉट के विपरीत दिशा में, समझ रहे हैं, बी नॉट के विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसमें चुंबकीय गुण आए, फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हम, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इस बात को और थोड़ा समझाना चाहेंगे। यहां देखिए क्या होगा, जैसे मान लो कि ये कोई चुंबक अलग से हम रखे हुए हैं, कोई अलग चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इससे मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, हम यहां पर बता रहे हैं ये हमारा बी नॉट है, इसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ ये जो हमारा है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। इसमें अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, हमारा सब्सटेंस जो है, हमारा सब्सटेंस ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इसको रख दें, तो इसमें जो चुंबकीय गुण आएगा, इसमें जो फील्ड उत्पन्न होगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा, जो फील्ड उत्पन्न होगा इसमें वो विपरीत दिशा में होगा। तो बताइए इसका मतलब, जिधर से बी निकलता है वो नॉर्थ होता है और ये क्या होगा, साउथ, यानी इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो बताइए ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो एक प्रॉपर्टीज का होगा, समझ रहे हैं। तो ये सब हम अभी बात करने वाले हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें होता है। देखिए आप इसको, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में रख दें उस सब्सटेंस को, गेट फीवली मतलब थोड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फील्ड के विपरीत दिशा में, आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आप बुझ गए इसका एक प्रॉपर्टी है रिपेल करने वाला होगा, तो बाकी प्रॉपर्टी से होगा जो मैं भी देखूंगा, पहले मैं बोर्ड साफ करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हमने बताया था और आपको नोट करने के लिए कहा था, आपने देखा था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसे हम जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह मामूली सा मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन उसमें जो फील्ड डेवलप करता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैंने यहाँ लिखा था कि द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, गेट फीवली मैग्नेटाइज, मामूली सा थोड़ी मोड़ी मात्रा में चुंबकीय गुण आता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के विपरीत दिशा में आता है।
आर कॉल्ड डायमेटिक सब्सटेंस। ऐसे कुछ उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं जो यहां देखिए आप, जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, क्वार्ज, मरकरी, वाटर, अल्कोहल, ये सब भी होता है ईटीसी, ये सब कुछ इसके उदाहरण है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी पूछता है, तो हमने यहां कुछ उसके प्रॉपर्टी लिख रखे हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो यहां आइए शुरू करते हैं, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द ध्यान दीजिए वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ध्यान दीजिएगा, ये फील्ड इधर है, मतलब इधर स्ट्रॉन्गर है, जरा समझिए चित्र में, यहां पर फील्ड इधर जा रहा है, मतलब इधर क्या है, यहां पर इधर इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आगे अगर बढ़ जाएंगे यहां से आगे, तो यहां पर क्या है, वीक है। तो ये रिपेल हो रहा है, मतलब इस स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भाग रहा है। यही बात कहता है, दे मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स, यानी रिपेल होगा, मतलब इधर ज्यादा है और उधर कहीं कम है, तो उधर धकला रहा है। स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड, दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, चुंबक के द्वारा रिपेल होता है। हम आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देख रहे हैं, ये सब आर एक्सपेल्ड बाय दीज सब्सटेंसेस, ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये देखिए, इसे जब मैं डाल दूंगा तो जो मैग्नेटिक लाइन्स जिस फील्ड में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डाला हूं, वो इसे एक्सपेल्ड, उसे बाहर होकर निकलना चाहता है, इसके अंदर से नहीं गुजरना चाहता है, वो बाहर हो जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है, रिपेल हो जाता है। तीसरी विशेषता, इसके अंदर जो फील्ड डेवलप करता है वो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड से छोटा है, क्योंकि फीबली मैग्नेटाइज है ना, मामूली से चुंबकीय गुना आया है, ये बी छोटा है, बी नोट से क्यों समझ में, चूंकि ये मामूली सा मैग्नेटाइज हुआ है, छोटा है, तो अब बी में बी नोट से भाग दे दो, एक से छोटा होगा। और कल वाला क्लास का आखिरी देखो, इसे पहले वाला क्लास, इसे पहला लेक्चर देखिएगा आप, म्यू एच जो है वो बी है, और बी नोट जो है वो म्यू नोट एच है, सॉल्व करेंगे तो म्यू बाय म्यू नोट, ये छोटा है एक्स, और म्यू बाय म्यू नोट को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, क्लास देखवाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से छोटा होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से छोटा होता है। आगे बढ़िए, हमने आपको आज ही इससे पहले दिखाया है कि म्यू यानी परमिएबिलिटी बराबर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू 1 प्लस xm, जहां ये xm ससेप्टिबिलिटी है। अब हम म्यू में म्यू नॉट से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस xm, देखिए 1 प्लस xm, ये म्यू बाय म्यू नॉट, इसे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी अभी हमने देखा है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, ये म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस xm, इसलिए xm इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू आर में से 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन xm इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, और आपने भी देखा है कि म्यू आर एक से छोटा है, तो म्यू आर जब एक से छोटा है तो xm क्या होगा, नेगेटिव होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक से छोटे चीज में से एक घटा रहे हैं तो नेगेटिव में आ जाएगा। यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कि ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक से छोटा होता है, ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, सॉरी मैं यहां पर बोला, 0 से छोटा होता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, देख रहे हैं, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा। अब सोचिए xm नेगेटिव आ गया, xm नेगेटिव आ गया, अरे xm आप देखिएगा इसे पहले वाला में क्या था, वो देख रहे हैं आप, था ना, तो वहां पर वो वास्तव में bm का मान था ना, bm का मान, मैंने कहा था ना शुरू में bm नेगेटिव भी हो सकता है, यानी अंदर में फील्ड ज्यादा या कम भी हो सकता है, तो उसमें bm का मान नेगेटिव आ गया, किसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब हम आगे बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात कहना भी छूट गया था कि ससेप्टिबिलिटी जो xm है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो नहीं बदलता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बदलने पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि ससेप्टिबिलिटी जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर से
टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। ये खास बात जो मैंने आखिर में लिखा है कि डायबिटिक्स लिक्विड इन यूट्यूब डिप्रेस्ड इन द लिंब, ये क्या है ये जरा मैं यहाँ चित्र बनाकर समझाता हूँ। देखिए ये एक इस तरह का, ये इसको बोलते हैं हम लोग यूट्यूब, आप मोबाइल वाला यूट्यूब मत समझ लेना। आजकल नेट आने के बाद बच्चे लोग यूट्यूब का मतलब मोबाइल वाला जो होता है, ये यू के आकार का ट्यूब। अब यहाँ पर हम डायमेट्रिक संस्थान रख दें, नॉर्थ साउथ रख दें, साउथ रख दें, ये साउथ है हमारा और यहाँ से मैटिक लाइन जा रहा है। तो इसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा तो लिक्विड डायमेटिक, और कौन सा लिक्विड रहना चाहिए डायमेटिक, तो नीचे भाग जाएगा ना, ये लिक्विड जो है वो यहाँ से कुछ ऊपर भागा, ऊपर भागेगा और यहाँ से नीचे भाग जाएगा, ये डिप्रेस्ड हो जाएगा। जिसमें ये डायमेटिक सब ये नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं, नॉर्थ साउथ में लगाए, ये चुंबक ये क्षेत्र में रखे हैं, मैग्नेट के बीच में रखे हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जब रखे हैं तो डायमेटिक सबसे वहाँ से रिपेल होता है ना, यानी दूर भाग गया, यही तो है। ओके, तो अभी से आप नोट कर लीजिए प्लीज। अभी हम लोगों ने डायमैग्नेटिक देखा था, मैंने कहा था डाय मतलब मरा, अब मरा का क्या होगा पारा, पारामैग्नेटिक, मरा पारा वापस करना है ना, तो पारामैग्नेटिक देखते हैं, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा होगा। आपने डायमैग्नेटिक में क्या कहा था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो फीवली मैग्नेटाइज होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये क्या होगा सेम डायरेक्शन में होगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने द्वारा रिपेल हो रहा था, यहाँ क्या होगा अट्रैक्ट होगा, उसमें क्या हो रहा था स्ट्रॉन्गर से वीकर में जा रहा था, इसमें क्या होगा वीकर से स्ट्रॉन्गर में आएगा, सब कुछ उसका उल्टा चलेगा। आइए देखिए क्या हो रहा है, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फीवली मैग्नेटाइज, जो मामूली चुंबकीय गुण उसमें आए थोड़ा मोड़ आ जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, आइए पर ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक आएगा तो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएगा फीवली की जगह पर, उसी डायरेक्शन में होगा। देखिए सब समानता है, इन विच दीज आर प्लेस कॉल्ड पैरामैग्नेटिक्स सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इस तरह के सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, या इसको इस पूरे बात को एक शब्द में कहा जाए तो पैरामैग्नेटिक्स, टिक्स लगा देंगे टिक्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब पैरामैग्नेटिक्स। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम, प्लैटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल एंड सो ऑन, कितना रटोगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें उसमें क्या हो रहा था रिपेल, इसमें क्या हुआ अट्रैक्ट, उसमें जा रहा था हाई से लो, इस जगह लो से हाई। देखिए व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसके लिए बात कर रहे हैं हम, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक को जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, तो यह कमजोर से यानी जिधर कम है उधर से ज़्यादा की तरफ आएगा, नहीं अट्रैक्ट होगा। स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड दैट इज दिस सब्सटेंसेस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ये फीबली क्यों लग गया यहाँ पर, क्योंकि कम से कम चुंबकीय गुण है तो कम से कम अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा रखा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक सब फील्ड लाइन्स टेंड्स टू पास थ्रू दिस सब्सटेंस, उसमें क्या हो रहा था बाहर जा रहा था, इसमें देखिए ये जो देख रहे हैं चकोर, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये चकोर, इसको जो फील्ड में डाले हैं तो वो सब फील्ड उसके अंदर से गुजरना चाहता है, देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा था एक्सपेल्ड हो रहा था, अंदर देखिए तब याद रहेगा, उसमें एक्सपेल्ड हो रहा था तो इसमें उसके अंदर से पास करेगा, उसमें देखिए बी इसमें बड़ा है बी नोट से उसमें छोटा था, इसके कारण इसमें जो है रिलेटिव परमिबिलिटी एक से बड़ा है उसमें एक से छोटा था। देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज ग्रेटर देन वन, एक से बड़ा। आगे कहता है कि चूंकि म्यूआर बराबर रिलेटिव परमिबिलिटी बराबर तो वन प्लस एक्स एम एन ससेप्टेबिलिटी, म्यूआर का मान एक से बड़ा है तो जब यहाँ देखिए एक्स एम बराबर क्या होगा म्यूआर माइनस वन, म्यूआर माइनस वन, म्यूआर एक से बड़ा है तो एक्स एम का होगा पॉजिटिव होगा, यानी ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव किसके लिए पैरामैग्नेटिक के लिए। आगे देखिए ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक्स वेरीज इनवर्सली एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर बदलेगा तो इनवर्सली बदलता है ससेप्टेबिलिटी, देख रहे हैं टी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इन्वर्सली का पता ही हुआ, इस प्रोफेशन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट सी आ गया, इसे हम क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी हर सब्सटेंस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। ओके, और ये जो एक क्वेश्चन वन बन गया इसी को हम क्यूरी लॉ कहते हैं, देख रहे उसका उल्टा है बिल्कुल, उसमें म्यू आर क्या था छोटा था, इसमें म्यू आर
बड़ा है, उसमें एक्सम नेगेटिव था, इसमें एक्सम पॉजिटिव है, वो टेम्परेचर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर इन्वर्सली निर्भर कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये है हमारा पैरामैग्नेटिक्स। अब बच गया फेरोमैग्नेटिक, जो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, बस आज यहीं तक इसको नोट कर लिया जाए।